हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं किया सोनेट के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। और मेरे साथ है किया सोनेट के ओनर, और ये गाड़ी जो है 1.2 लीटर पेट्रोल में, जिसका आप सबको इंतजार था। तो फाइनली आज हम इस गाड़ी का ओनर रिव्यू ले आए और आप सबको बताएंगे इस गाड़ी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो मेरे साथ है डॉक्टर शमी जी, जो कि आज इस गाड़ी का ओनर रिव्यू देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। थैंक यू। और तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपका इसी गाड़ी का, जैसे कि ये 1.2 लीटर पेट्रोल, आपका पेट्रोल गाड़ी खरीदने का प्लान क्यों बना? जैसे इसका डीजल वेरिएंट भी आता है, तो आपका पेट्रोल का क्यों प्लान बना? क्योंकि जिस हिसाब से मेरी जो मेरी रिक्वायरमेंट और जो मेरा बजट था, तो उसमें मेरे को यही पेट्रोल गाड़ी 1.2 लीटर सूट करी थी, तो दैट्स व्हाई आई हैव परचेज दिस। अगर मैं बात करूँ एवरेज रनिंग की, आपकी डेली की रनिंग या फिर मंथली रनिंग कितनी हो जाती है? मंथली रनिंग अराउंड मेरी बिलो 1000 ही होती है, लगभग 700-800 होती है। तो आपने इसी वजह से पेट्रोल प्रेफर किया। ये कौन सा वेरिएंट है और कितने का ऑन रोड आपको पड़ा? ये 1.2 लीटर HTK प्लस है और मेरे को अराउंड 10 लैक्स का पड़ा ऑन रोड, इंक्लूडिंग वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी। ओके, और यहाँ बात करें कलर की, तो आपने व्हाइट कलर का ही ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि व्हाइट कलर मेंटेनेंस फ्री होता है। मेरी तीसरी चौथी गाड़ी है, तो लगभग मैंने सारी गाड़ी व्हाइट ही यूज करी है, तो इसलिए मैं व्हाइट। ओके, और सर ये बताइए सबसे पहले कि इस गाड़ी में आपको माइलेज क्या मिल रही है? इसकी अराउंड 15 माइलेज मिल रही है। अभी मैं हाईवे पे चलाई नहीं है, तो लगभग लोकली हुई है, तो 15 है। ओके, और यहाँ बात करें हम ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, आपको इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? आपको कभी ऐसा लगा कि गियर लैग्स है या फिर स्टेयरिंग उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्मूथनेस नहीं है? इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरे को बहुत बढ़िया रहा, कभी गियर की प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कुछ लैग नहीं लगा, पावर कम नहीं लगी मेरे को, नॉर्मल बहुत बढ़िया लगी है, अच्छी है। ओके, और जब आप ये गाड़ी खरीद रहे थे, जब आप गाड़ी प्लान कर रहे थे, तो आपने किस किस गाड़ी के साथ इसका कंपैरिजन किया था? मैंने इसका जितनी इस उसमें कम्पैक्ट SUV में आती है, उनमें सबसे कंपैरिजन किया, जैसे ब्रेजा है, वेन्यू है, इको स्पोर्ट है, तो इसमें मेरे को सबसे बेस्ट यही लगी, क्योंकि ये फीचर रिच गाड़ी इतने बजट में यही बढ़िया मेरे को लगी। डिज़ाइन की बात करें तो आपको किस गाड़ी का डिज़ाइन सबसे ज़्यादा लगा? जैसे कि इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं, ब्रेजा में आपको मिल जाता है, और इको स्पोर्ट की बात करें या फिर नेक्सोन की बात करें वेन्यू की, तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन है, तो इसी का फाइनल आपका डिसीजन? मेरे को इसी का डिज़ाइन बढ़िया लगा था, तो ही मैंने खरीदी है, अदरवाइज मैंने सबका देखा तो इसका सबसे बढ़िया लगा। बोल्ड लुक है इसकी, काफ़ी अच्छी है, और सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी अप्रिशिएट किया मेरे डिसीजन को कि सही गाड़ी चूज़ की है। तो यहाँ काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे, क्योंकि जब हमने डीजल का वीडियो अपलोड किया था, तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि पेट्रोल गाड़ी का रिव्यू करें, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी की जनरली इंडिया में टेस्ट ड्राइव काफ़ी कम जगह में मिलती है, मेट्रो सिटीज़ में मिलती है, यहाँ छोटे शहरों में टेस्ट ड्राइव नहीं मिल पाती है। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि ये गाड़ी जो है काफ़ी अंडर पावर, लोगों को लगता है कि ये गाड़ी अंडर पावर है, पिकअप उतना अच्छा नहीं है, तो आपको इस गाड़ी से कैसी, मतलब आपको इस गाड़ी से कितनी अच्छी पिकअप मिल रही है, कैसा आपको फील हो रहा है? पिकअप अच्छी बढ़िया है, मेरे को ऐसा लगा नहीं कि कोई अंडर पावर गाड़ी है, ये मेरे को नहीं लगा। आपने फैमिली के साथ ड्राइव किया, चार या पांच लोगों के साथ इस गाड़ी? चार पांच लोगों के साथ ड्राइव किया, तब भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि अंडर पावर है, ये नॉर्मल गाड़ी। ओवरटेकिंग वगैरह में कोई आपको ऐसी इशू नहीं आया? कोई इशू नहीं आया ओवरटेकिंग में, कोई ने ओवरटेक किया तो ऐसा कोई नहीं लगा कि अंडर पावर है। और रियर स्पेस की बात करें, तो रियर स्पेस में कभी ऐसा लगा कि आपको कि तीन लोग जो है उतने कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते इस गाड़ी में? नहीं, मैंने तीन पैसेंजर बैठ के भी इसको ड्राइव किया और तीनों से भी पूछा, तो उनको नहीं कोई डिफिकल्टी लगी। okay. और सीटिंग कंफर्ट की बात करें, आपको ड्राइवर सीट या फिर रियर सीट्स, ओवरऑल आपको सीटिंग कंफर्ट कैसा लगा इस गाड़ी में? ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट बढ़िया है, रियर सीट भी और ड्राइवर सीट दोनों बढ़िया लगी। ऐसा कभी नहीं लगा कि जो थकावट हो रही है गाड़ी चलाते हुए एक दो घंटे अगर आपने चलाई हो तो? नहीं, मेरे को अभी इतना लंबा तो मैंने चलाई भी नहीं है, लेकिन जितनी मैंने चलाई है मेरे को कोई थकावट नहीं लगी उसमें। और यहाँ बात करें हम इंजन नॉइज की या फिर रोड साइड नॉइज की, आपको कभी ऐसा लगा कि कैबिन में नॉइज ज्यादा है या इंजन की हो या फिर रोड साइड की हो? नहीं, कैबिन में बिल्कुल भी नॉइज नहीं आती, कई बार तो इंजन स्टार्ट का पता भी नहीं लगता कि इंजन स्टार्ट है या नहीं है। हम बात करें ए पिलर्स की, विजिबिलिटी की, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें कुछ लोगों को, ड्राइवर्स को प्रॉब्लम होती है गाड़ी टर्न करते हुए ए पिलर्स की वजह से, तो आपको कभी ऐसा लगा कि ए पिलर्स जो है ज़्यादा चौड़े हैं ड्राइव करते हुए या राउंड में टर्न लेते हुए प्रॉब्लम आई हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, परफेक्टली साइज है, ताकि बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत भी ना आए और बिल्कुल आराम से गाड़ी चल सकती है।
और गाड़ी चलाते विजिबिलिटी अच्छी रहती है आपको फ्रंट बोनट? हाँ जी, हाँ जी, बोनट पूरा एंड तक दिखता है, पार्किंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। ओके, और जैसे कि इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनी फिटेड फीचर्स मिल जाते हैं, तो उसमें रियर पार्किंग कैमरा भी आता है और बाकी फीचर्स भी आते हैं, तो आपको कैसे एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? रियर पार्किंग तो बहुत अच्छा है, उसमें गाइडलाइंस के साथ है ताकि स्टीयरिंग के साथ वो बढ़िया रहता है। प्लस इसमें एक म्यूजिक सिस्टम भी कंपनी फिटेड है जो कि टच के साथ आता है, और उसका साउंड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा मेरे को पर्सनली। लाइक हैवी बास वाला है जो आजकल चलता है, तो सब गाने अच्छे प्ले होते हैं और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको ऐसा लगा कि टच जो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या फिर टच म्यूजिक सिस्टम में लैग सा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी लैग नहीं है, फुल रिस्पॉन्सिव है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। और यहाँ बात करें पॉजिटिव्स की नेगेटिव्स की, आपको ऐसा मतलब कौन कौन सी आपको चीज़ें गाड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और कोई कमी अगर आपको लगी हो तो? आई थिंक बेस्ट तो रहेगा म्यूजिक सिस्टम और कैमरा। ओके, उसके बाद इस मॉडल में सब कुछ कंपनी फिटेड है, वो बढ़िया है। उसकी ड्राइविंग तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब छोटे मोटे खड्डे तो पता भी नहीं चलते, और नॉइस तो जैसे आप बताया बिल्कुल भी नहीं है, तो वो आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा इसमें। तो इसका सस्पेंशन सिस्टम आपको अच्छा लगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल हम उसका पता नहीं चलता, स्पीड ब्रेकर में आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, और आपको गाड़ी खरीदने के बाद कौन कौन से ऐसे फीचर्स है या कौन कौन से ऐसी एक्सेसरीज जो आपने लगवाई है बाहर से? फिलहाल बाहर से कुछ भी नहीं है, सब कुछ कंपनी से एज इट इज़ है, दुकान में नहीं गई है ये कार, बस मैट्स बाहर से लगे हैं, बाकी सब कुछ कंपनी फिटेड है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको इस गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी आपको फील हुआ कि आपको कभी ऐसा लगा कि ये गाड़ी जो है लाइट है, लाइट वेट है या अच्छी ना लगी हो बिल्ड क्वालिटी की? बिल्कुल भी नहीं, अंदर बैठ के आपको एकदम सेफ फीलिंग आएगी। इसका इवन बोनेट भी इतना हैवी है उठा के, मतलब जब हमने टेस्ट ड्राइव ली थी तब देखा था। ओके, तो बहुत हैवी बोनेट है और बिल्ड क्वालिटी एकदम ए क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है एकदम। स्टीयरिंग की बात करें, जैसे गाड़ी को आपने ड्राइव किया होगा तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि स्टीयरिंग जो है वो लाइट है, उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होता चलाते? नहीं नहीं, स्टीयरिंग लाइट जरूर है बट कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आएगी, थोड़ा हाई स्पीड आके हैवी हो जाता है जरूर ये, बट कॉन्फिडेंस में आपको कभी कमी नहीं लगेगी, एकदम स्मूथ ड्राइविंग है इसकी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिरसा से या फिर हरियाणा से और आप किया कि कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको हरियाणा में सिरसा में बेस्ट डील मिलेगी रितु किया से। आपको कॉन्टैक्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप ये मेंशन करना मत भूलिए कि आप मोटर टोशन के थ्रू कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो सर अब ये बताइए कि आपका डीलर से डीलिंग कैसा रहा, आपको कैसा फील हुआ गाड़ी खरीदते हुए, कभी ऐसा लगा कि जो डीलिंग है उतनी अच्छी आपको नहीं लगी? बहुत ही अच्छी डीलिंग थी, एकदम बढ़िया डीलिंग, एकदम फैमिली टाइप उन्होंने डील किया और कोई भी दिक्कत नहीं आने दी। जैसा हमने बोला, जब बोला डिलीवरी तब उन्होंने उस टाइम तक दिए, हमें हमने बोला कि शाम को चाहिए, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं शाम को ले जाओ आप। ओके, और यहाँ डीलिंग बात करें डिलीवरी की गाड़ी की तो आपको कितने दिन में गाड़ी मिल गई थी? ऑलमोस्ट 90-20 डेज में हमें डिलीवरी ले ली थी हमने। तो आपका गुड लक है, अच्छा लक है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको पेट्रोल गाड़ी जो है इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रही है, बुकिंग करने के बाद करीब करीब 6-7 वीक्स का मिनिमम टाइम देते हैं डीलर्स, तो आपको जल्दी मिल गई। और तो दोस्तों ये था एक ओवरऑल रिव्यू इस गाड़ी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको किया सोनेट से रिलेटेड, पेट्रोल से रिलेटेड, डीजल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था एक किया सोनेट का ऑनेस्ट ओनर रिव्यू। सो डॉक्टर शमी जी एंड वरुण, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।